सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक। मैं हूं शहबाज अली। मैं इस वक्त मौजूद हूं सेंट आयशा स्कूल में, जहां पे सम स्किन मदद कमेटी के द्वारा वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है समीर भाई, जो हमें बताएं किस तरह से लगे और क्या टाइम है। आइए, कब तक के टाइम है और कितने डोज लगेंगे? आज 4 बजे तक का टाइम है। अभी 200 डोज लाए गए हैं, अगर और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी बढ़ाए जाएंगे उसको। 4 बजे तक वैक्सीन लगाया जाएगा। कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज आज लग रहा है। शाम स्किन रक्तदान कमेटी 7 जून से इस अभियान को अंजाम दे रही है। हमारे लायंस कम्युनिटी हॉल में 7 जून से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोगों को जो परेशानियां थी, परेशानी दूर करते हैं उनकी। यही कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगे, क्योंकि यही एक बेहतर उपाय है कोविड से बचने के लिए। हम घर घर डोर टू डोर जाके हमारे शाम स्किन रक्तदान कमेटी के सदस्यों ने ये अभियान भी चलाया, जागरूकता फैलाई है लोगों के इसके टीके के बारे में। इसके बताया गया है कि इससे नुकसान नहीं है, फायदे ही हैं। कई लोगों को पुरानी बीमारियां भी इससे दूर हो रही है। तो कुल मिलाकर नतीजे यही है कि कोविशील्ड का टीका, कोविड वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। इससे कोरोना से बचने का सबसे बेहतर उपाय है। समीर ने बताया कोविशील्ड लगाने से तमाम तरह की बीमारियों से फ़ायदा मिलता है। हमारे फरीद भाई में मौजूद, इनसे बात करेंगे। जी फरीद भाई, आपके द्वारा कई महीनों से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। शाम स्किन रक्तदान कमेटी कई महीनों से वैक्सीनेशन के लिए काम कर रही है। शाम स्किन रक्तदान कमेटी पिछले 1.5 महीने से कोविड वैक्सीन का एक महाअभियान चला रही है। इसके अंतर्गत जिले के हर शहर में जो है कैंप आयोजित हो चुके हैं। शाम स्किन रक्तदान कमेटी का जो अभियान है, उसके तहत जागरूक होकर जो है समाज के लोगों ने वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दिया था। आज जो है हर जगह पर कैंप लग चुके हैं, सिंधो में भी जो है शाम स्किन।